हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग। देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है आप दोनों की एनर्जी में, आपके और आपके काउंटर पार्ट। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन, अगर आप जानते हैं कि समझते हैं आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, सोलमेट की एनर्जी में है, यहाँ पे अगर रेजोनेट हो रही हो सिचुएशन, तो डेफिनेटली आप इसमें दी गई गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की ही तरह मैं अपनी रीडिंग में आप सबको बताऊंगी 3D और 5D मैसेजेस। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप अपनी जर्नी पर कहाँ हैं, क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आज हमारे गाइड हमको बताने वाले हैं, ये तो देखिए मुझे तभी पता चलेगा जब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और उन मैसेजेस को मैं आपके लिए रीड करूंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके काउंटर पार्ट के लिए। देखिए बार बार ये कार्ड द हर्मिट सामने आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं मेजर शिफ्ट देखना चाहती हूँ आपकी तरफ से और आपके काउंटर पार्ट की तरफ से। द स्टार इन रिवर्स, द डेविल, एनर्जीज कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं आपके काउंटर पार्ट के लिए कार्ड निकालूंगी, स्ट्रेंथ कार्ड। एम्प्रेस कार्ड, इसमें दो कार्ड हैं, एक सेकेंड। वाओ, द लवर्स कार्ड आ रहा है डिवाइन फेमिनिन की साइड, और मस्कुलिन की साइड भी एक कार्ड और निकाल देते हैं, द लवर्स एंड द एम्प्रेस यहाँ पे कार्ड आ रहा है। एयर साइन एयर विर्गो राशि वाले, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फायर साइन, एंड यहाँ पे देखिए वाटर साइन भी है, डेथ कार्ड। कहीं ना कहीं देखिए आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट चल रहा है। आपका तो देखिए, आप काफ़ी लोग इतने टाइम से रीडिंग देखते हैं, कार्ड देख के भी समझ जाते हैं कि एनर्जी में क्या मैम बोलने वाली है। बट हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आपके काउंटर पार्ट इस वक्त अपनी लाइफ में कहाँ हैं। कुछ ना कुछ देखिए उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ना छूट रही हैं जो उनके वर्थ की नहीं थी। मीन्स उनके वो वैल्यू नहीं कर रहे थे, जो लोग उनकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, वैसी चीज़ें उनकी लाइफ से पीछे जा रही हैं। कुछ जो उनको नहीं चाहिए था वो पीछे छोड़ रहे हैं, और वो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कर्मा हील हो रहे हैं। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो डिवाइन मस्कुलिन हैं वो अगर कुछ कार्मिक साइकिल में थे, उनमें से कुछ कर्माज उन्होंने क्लियर कर लिए हैं, कुछ लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। जो भी समस्याएं थी उनकी लाइफ में फाइनेंशियली या हेल्थ से रिलेटेड भी, वो भी अब उनकी लाइफ में ख़त्म होने वाली हैं। ये मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, सबसे मेजर शिफ्ट यही है इस वक्त की, वो कर्मा हील करके अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। और आप जानना चाहेंगे कि वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, आपने उनकी हेल्प की है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आती है, अनकंडीशनल लव, प्यार का मतलब नहीं समझती, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देती, आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ रही होती, तो शायद आज आपके जो काउंटर पार्ट है वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते, वो भी आपकी अपनी कार्मिक साइकिल को एंड नहीं कर पाते। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आपने प्ले किया है अपने काउंटर पार्ट के लिए। तो हम बोलते हैं ना कि अगर आपको सपोर्ट करना है लाइफ में तो आगे बढ़ो। मैं उन डिवाइन फेमिनिन्स की ही रीडिंग कर रही हूँ जहाँ जो बुरी तरह से बैलेंस्ड है और अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ बैठी नहीं है, सिर्फ हीलिंग पे ध्यान नहीं है, हीलिंग उन्होंने काफ़ी टाइम से कंप्लीट कर ली है, अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाने के बारे में सोच रहे हैं। और आपका ये जो अनकंडीशनल लव दिखा रहा है, यही वो प्यार की ताकत है। और मुझे आप लोगों का यूनियन भी अब ज़्यादा मुझे
लग रहा है कि बहुत करीब है, आप दोनों मिलने वाले हो, आपकी बात होने वाली है, या कहीं मिलने, कहीं आप टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने काउंटर पार्ट के साथ, और वो आने भी वाले हैं, ऐसा शायद आपको आभास भी होना स्टार्ट हो गया होगा। और कोई गुड न्यूज़ भी मुझे दिख रही है, ये गुड न्यूज़ डिवाइन फेमिनिन की साइड मुझे दिख रही है, और यहाँ पे भी देखिए एलिफेंट नज़र आ रहा है, एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है आपकी जो काउंटर पार्ट है उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आने वाली है, और आपकी लाइफ में आने वाली है अबंडेंस। और ये अबंडेंस सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, हर चीज़ में आपको अबंडेंस मिल रही है। ऑलरेडी आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपने काफ़ी लोगों को हील करना स्टार्ट कर दिया है, आपने काफ़ी लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया है, लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया है, उनको रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया है, और आपको ये महसूस भी नहीं हो रहा है कि वो कहीं और है, आपको यही लगता है कि वो आपके साथ है, आप दोनों साथ हैं। और आप लोगों की देखो, आप मुझे कम्युनिकेशन में भी लग रहे हो जिन लोगों की यहाँ पे रीडिंग हो रही है, ये ऐसा ग्रुप है जो कम्युनिकेशन में भी है एक दूसरे के साथ, और काफ़ी कुछ पास में आपके जो काउंटर पार्ट है इस वक्त ना स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी बड़ा एक मेजर शिफ्ट उनकी लाइफ में चल रहा है, अभी भी वो डील कर रहे हैं क्योंकि उनको हटना है वहाँ से। इस वक्त उनकी हेल्थ आपको लग रहा होगा कि ख़राब हो रही है, ये किसी तरह का आपको वो बोल सकते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वो परेशान हो रहे हो, क्योंकि वो एक साइकिल से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, तो उस शिफ्ट से पहले एक थोड़ा सा झटका लग सकता है उनको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही वो भी आपकी ही तरह इस स्टेज पे आएंगे, वननेस की तरफ आएंगे। काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और उन्होंने स्ट्रेंथ रखी है, क्यों रखी है, क्योंकि आप एम्प्रेंस मोड में हैं, आप स्टेबल हैं, इसलिए उनके अंदर भी स्टेबिलिटी आ रही है। काफ़ी मेजर शिफ्ट मुझे नज़र आता है, ये उन सोल की ही बात कर रही हूँ जो काफ़ी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, डिवाइन फेमिनिन, और मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि आपने इतना हार्ड वर्क किया, इतना आपने अपने ऊपर काम किया कि आज आपकी लाइफ में इस तरह का मेजर चेंज दिखाई दे रहा है। इस साइक ये जो भी कंडीशन है उसको मैं और ज़्यादा डिटेल में चेक करना चाहूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत का ही टाइम है, ठीक है। अभी मैंने जो भी आपको बताया है इसमें शिफ्ट, जब मैंने डबल चेक किया वहाँ पे भी एक्शन दिख रहा है, आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी पर और कुछ नया शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं वहाँ पे भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के ही साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी फैमिली में अभी कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ ना कुछ वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक सही डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। आपके लिए भी देख लेती हूँ मैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन ज़्यादा है, वाटर साइन भी है यहाँ पे, एयर साइन भी है। और आपन तो देखिए जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी ना, वो मुझे लग रहा है वो साइकिल एंड हो रही है, आप भी कहीं ना कहीं ये फील भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है ना डेथ कार्ड, और आपकी साइड पे ये जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि दुख तकलीफ आप
नहीं, बहुत प्रॉब्लम सही है इस कनेक्शन में। हो सकता है आपको ना उनकी एनर्जी भी पिक हो रही होगी। अननेसेसरली आप परेशान हो रहे हो, पेन हो रहा है या रोने लग जाते हो, ऐसा कुछ मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है। तो ये उस वजह से भी हो रहा है क्योंकि आप अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी को फील कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त वो ऐसी हालत में है। बट ये जो सिचुएशन में वो आज है, वो उनके अच्छे के लिए ही है। वो कुछ सीख रहे हैं, लेसन सीख रहे हैं, अपने कर्मा हील कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप सोचते हैं, मिलने के बारे में सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, ये एनर्जी में दिख रहे हैं। तो लवर्स कार्ड ने भी यही दिखाया है, आप चाहते हैं कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन लें। इस वक्त आप भी उनको काफ़ी मिस कर रहे हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा आप भी परेशान हो रहे होंगे बीच बीच में अपने काउंटर पार्ट के लिए, और वो भी परेशान हो रहे हो। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप रह नहीं पा रहे हो कि इन दिनों एक दूसरे से दूर, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। 3D मैसेजेस देखती हूँ, आपके जो काउंटर पार्ट है वो आपको क्या कहना चाहते हैं और आप उनको क्या कहना चाहते हैं। वो आपको क्या कहना चाहते हैं, एंगेजमेंट। देखो, कुछ ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा भी शायद कोई और भी है, थर्ड पार्टी, जो कि दिख भी रहा है, उसी से ही डील कर रहे हैं। और एंगेजमेंट का कार्ड आना, ये मुझे दिखा रहा है कि वो जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, वो शायद एंगेजमेंट हो रही है उनकी, उस चीज़ की वजह से ही वो स्ट्रेस में है, परेशान है। और कुछ कार्मिक साइकिल में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंगेजमेंट, थर्ड पार्टी जो भी है ना, वो कोई लेडी ही है, उनकी फैमिली में ही हो सकती है, ये फैमिली का पार्ट बनने वाली हो कुछ। तो मुझे ऐसे भी मैसेजेस आना स्टार्ट हो रहे हैं, बट जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अभी आपको उतार चढ़ाव चल रहा है, आपके जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। और इस वक्त वो सोच रहे हैं कि वो मना करते हैं थर्ड पार्टी को एंगेजमेंट के लिए, मना कर दे, शादी हो चुकी है तो वो शादी भी तोड़ना चाहते तो हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो उनके लिए सही नहीं है। ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद की बात है, अभी की एनर्जी तो मुझे यही दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके डिस्टर्ब्ड है। और अगर एंगेजमेंट हो चुकी है, एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, शादी हो चुकी है तो शादी तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। कर्मा हीलिंग चल रही है उनकी, और एक नई साइकिल तो स्टार्ट होने ही वाली है। तो वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं 3D में कि वो आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो अट्रैक्शन आपकी तरफ अभी भी महसूस हो रहा है ना, वो उनको थर्ड पार्टी के साथ फील नहीं हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं एडजस्ट कर लूँ, सोचता है, हर इंसान सोचता है, उन्होंने भी सोचा है, बट उनसे हो नहीं पा रहा है। 3D में ये मैसेज आपके लिए है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है अपने पार्टनर का, मैं देख लेती हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को, सोममेट, आप उनको बताना चाहते हैं कि वो इस रिलेशन को समझें, आप कौन हो, वो आपके सोममेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं। आप चाहते हैं कि वो समझे, उनको एहसास हो कि मैं आपके लिए सही हूँ, मैं आपके लिए बनी हूँ। आप ये मैसेज अपने पार्टनर को दे रहे हैं 3D में, आपका 3D सेल्फ एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, ताकि वो इस रिश्ते को समझें कि हम दोनों के अलावा, हम दोनों के बीच में अगर तीसरा आएगा वो भी पीसेगा, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने हो। आप वो प्यार किसी तीसरे को नहीं दे पाओगे,
अगर आपको लग भी रहा है कि शादी कर ली या फिर आपने एंगेजमेंट कर ली, खुशी खुशी रह लोगे, नहीं होगा। जो तीसरा आएगा वो भी पिसेगा, लाइफ टाइम तक पिसेगा। कहीं ना कहीं देखिए उनकी भी कार्मिक जर्नी हो सकती है, क्योंकि जिसके साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ सबके, देखो कोई ना कोई कर्मास तो होते हैं, तो वही चीज़ आप लोगों के बीच में भी अभी है। 3D में जो मैसेज दे रहे हो आप, ये दे रहे हो अपने पार्टनर को कि वो जाने कि आप को ही वो चूज करें, आप चाहते हैं कि वो माने, इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आए कि मैं आपकी सोलमेट हूँ। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो भी लोग हैं आप चाहते हैं कि जिन लोगों की वजह से वो पिस रहे हैं बीच में, उनको माफ़ करना सीखो, वहाँ से कुछ सीखो। ठीक है, माफ़ भी करना है, और वहाँ से जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, काफ़ी आप जो मैसेज दे रहे हैं ना 3D में भी, काफ़ी मैच्योरिटी वाला मैसेज डिवाइन फेमिनिन इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन को दे रही हैं, उनको माफ़ करने का लेसन सिखा रही हैं। रिलीज करो, अपने पास को हील करो, जो भी आपके कार्मिक डेप्थ है उसको क्लियर करो। आप यही मैसेज उनको 3D में भी देती हुई नज़र आ रही हैं, और उनको प्रेजेंट में रहने को बोल रही हैं कि अपने आप को आज में रखो, पास्ट के बारे में मत इतना सोचो, फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो, अभी सोचो कि अभी आपके लिए क्या करना सही है, यही राइट टाइम है, अभी डिसीजन ले लो। अगर एंगेजमेंट भी होने वाली है तो कहीं ना कहीं आप इसलिए भी बोल रहे हो कि अभी सोच लो, जो सोचना है अभी करना है, प्रेजेंट में करना है। ये 3D मैसेजेस हैं। 5D मैसेजेस भी देख लेती हूँ एक दूसरे का, आप दोनों का 5D सेल्फ एक दूसरे के लिए क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, पहले मैं आपके DM के हायर सेल्फ का मैसेज लेती हूँ आपके लिए। देखिए मुझे एक और इम्पोर्टेंट मैसेज देना था आपको कि कमेंट बॉक्स में आप अभी देखते हैं कि लोग जो गुरुजी पंडित जी होते हैं वो अपना नंबर देते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ वो नंबर मेरा नहीं है। कहीं पे भी अगर आप देखते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वहीं से आपको लेना है। उसके अलावा आप किसी और प्रोफाइल पे देखें या कोई कमेंट बॉक्स में आपको ये नंबर दे रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी अगर मेरे नाम से भी कोई बोल रहा है। गुरुजी, देखिए मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं वो पंडित नहीं हूँ जो कमेंट बॉक्स में नाम करते हैं, ये कोई और लोग हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आपको अपनी समझ के साथ इन लोगों को कांटेक्ट करना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके अलावा आप कहीं और से नंबर देख के कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। फाइव डी मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए वो ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आपका जो उनका हायर सेल्फ है ना, वो कहना चाहता है कि आपके डिवाइन फैम जो मस्कुलिन है इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन में है। डेफिनेटली वो तो हमको मैसेज फर्स्ट टाइम भी मिल गया था, ये दोनों ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ठीक है, अभी वो काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, वो काफ़ी ना भ्रम में जी रहे थे, और आपके जितने भी मैं जितने भी क्या बोलूँ, मैं सिर्फ आपके ही डिवाइन मस्कुलिन के लिए बोलती हूँ, इल्यूजन में थे। समाज, सोसाइटी, प्यार की तो समझ ही नहीं थी कि प्यार भी इम्पोर्टेंट होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं है, रिश्तेदारी के नहीं है, फैमिली के नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट हैं, फिर भी उनको भूल पाना मुश्किल है, फिर भी उनकी तरफ जाना ना जाना भी मुश्किल है कि कैसे रोके अपने आप को। तो वो चीज़ें वो समझते हुए दिख रहे हैं, इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, और उनका जो शिफ्ट हो रहा है ना इनटू अवेयरनेस, अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। 5G सेल्फ उनका, आपके डिवाइन मस्कुलिन का हर सेल्फ आपको बोल रहा है कि वो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन में है, भ्रम से बाहर निकलने वाले हैं, उनको सब एहसास हो रहा है इस वक्त आप कौन हो उनको समझ में आ रहा है, उनका हायर सेल्फ बोल रहा है। ठीक है, आपकी तरफ से भी एक मैसेज जरूर लेना चाहती हूँ, डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ DM को क्या कहना चाहता है। आपके हायर सेल्फ का भी मैसेज देख लेते हैं, डिवाइन फेमिनिन के हायर सेल्फ का मैसेज देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप अपने काउंटर पार्ट को। ओनरशिप,
देखिए, आप कहीं ना कहीं उनको कर्मा का ही लेसन सिखाने में है। आपका 5D हायर सेल्फ भी उनको कार्मिक हीलिंग करने के लिए ही बोल रहा है, लेसन सीखने के लिए बोल रहा है, प्यार सीखने के लिए बोल रहा है। काफी हद तक हमारी जो कार्ड्स निकाल भी रहे हूँ, काफी हद तक बहुत अच्छे हैं कि आप भी चाहते हैं कि वो जल्दी से अपनी कार्मिक हीलिंग कर लें, कर्मा से बाहर निकलें। जो भी उन्होंने गलत किया है, जाने में हुआ है, इस जन्म में, पिछले जन्म में, जो भी है, आप समझते हैं कि यहाँ से सीख के ही वो आगे बढ़ सकते हैं। इस चक्र से अगर मुक्त होना है तो उनको ये सब चीज़ें फेस करनी ही होंगी। वही मैसेज है जो आपने 3D में भी दिया था, वही आपका हायर सेल्फ भी आपके काउंटर पार्ट को मैसेज दे रहा है। अभी आपके गाइड के भी मैसेज ले लेते हैं। गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं? आपके गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं? यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ किसी रीज़न की वजह से ही हैं। अपने उस रीज़न को हमेशा याद रखना। अपनी पावर को कभी कम मत समझना। अगर आपको लगता है आप सक्षम नहीं हैं, अभी भी आप कभी कभी अपने आप को डाउट कर रहे हो, इस जर्नी को डाउट कर रहे हो या परेशान हो रहे हो, तो आपको अपनी पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपके गाइड आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अभी आपको वो करना है अपनी ज़िंदगी में जो आपको खुशी दे। आपको अपने लिए अभी ही प्रयास करने हैं, अपने लिए ऐसे ही बढ़ते रहें जैसे कि आप अभी तक बढ़ते आए हैं। आपका प्यार ही आपकी ताकत है। आप अपने प्यार की ताकत से ही इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। आपको अभी भी अपने ही एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप दूर से अपने काउंटर पार्ट को ब्लेस कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। बात हो रही है तो हाँ, आप थोड़ा सा उनकी इस वक्त सिचुएशन समझने की कोशिश करना कि वो जो भी है परेशानी में है, आप उस चीज़ के लिए ना कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप उनको मत देना, ठीक है? चक्रा रीडिंग देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं इस वक्त। बैलेंस इम्बैलेंस जो भी होगा मैं मैसेज दे देती हूँ आपको, हीलिंग से रिलेटेड। आपको क्या हील करने की ज़रूरत है इस वक्त, प्लीज़ गाइड मुझे मैसेज दें मेरे व्यूअर के लिए। इस वक्त उनको हीलिंग में क्या करने की ज़रूरत है भी या नहीं, वो जो कर रहे हैं पहले से सही है। आप जो भी मैसेज देना चाहें प्लीज़ आप अपनी तरफ से क्लियर करें। हीलिंग से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? यूनिवर्सल लाइट, वाओ, वेरी गुड। सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करें क्योंकि करेज की ज़रूरत है आपको। अपनी पर्सनल पावर में रहें, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ो, करेज के साथ आगे बढ़ो। आप चाहें तो रम मंत्र का चैंट भी कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, होगा, इसी वजह से इस तरह के कार्ड आए हैं। आप लाइट की तरफ जाओ, रोशनी की तरफ जाओ। मेडिटेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से। यूनिवर्सल लाइट आपके साथ है, मीन्स ये जो शक्तियां हैं वो आपके साथ हैं। लव, यम मंत्र का चैंट कर सकते हैं, हार्ट चक्रा। अगेन यम मंत्र हो सकता है। देखिए, आप में से काफी लोग कुछ प्रॉब्लम में है भी क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो इस वक्त अगर आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में अभी भी हैं, बीच में हो रहा है, क्योंकि वो मुझे कुछ मेजर इशू नहीं लग रहा है। मेजर तो मुझे दिख ही रहा है कि आप द एम्प्रेंस में है, मोड में है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही है। पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड आया है उसके लिए दिखाया जा रहा है कि हो सके तो आप तो अपने को कॉन्फिडेंस लेके आओ, फिर से हिम्मत लेके आओ। सोलर प्लेक्सस चक्र और इस वक्त हार्ट चक्र के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चाहे तो 7 चक्रास के ऊपर भी, हमेशा की तरह जो मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह के मैसेजेस मैं आपको आगे भी देती रहूं। और लाइक करना है गाइस, लाइक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेरे साथ गलत करेंगे, ठीक है?
इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, लाइक ज़रूर किया करें। मैं भूल जाती हूँ कई बार, तो आप करते ही नहीं हैं लाइक। तो मैंने सोचा कि मैं आपको हर वीडियो में अब याद दिलाया करूँगी कि वीडियो को लाइक करना है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं जल्दी फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी लेके आऊँगी। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।